यूपी के बांदा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और ग्रामीणों के साथ अवैध वसूली को लेकर झड़प का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों की जमीन पर पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है अवैध खनन, विरोध करने पर पुलिस ने की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। बागपत जनपद में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा, एक साथ 24 नए कोरोना मरीजों के साथ जनपद में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 175। एक अस्पताल के दो कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित, जिसके बाद अस्पताल को किया गया सील। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ भारतीय सैनिकों की हुई हिंसक झड़प में देश के 20 सैनिक शहीद हो गए। इन शहीदों में मेरठ का लाल विपुल रॉय भी है, जिसकी शहादत पर सभी देशवासी गर्व कर रहे हैं। चीनी सैनिकों की हिमाकत के बहाल देशवासियों में बवाल, ताज नगरी आगरा के शाह मार्केट में चीनी सामान को लेकर लोगों ने किया बहिष्कार। चीन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए लोगों ने शहर में चीनी सामान के आने पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग। मुजफ्फरनगर जनपद के स्टील फैक्ट्री में हुआ बड़ा हादसा, हादसे में मलबे के नीचे दबकर हुई मजदूर की दर्दनाक मौत। मजदूर की मौत के बाद भाकियाने फैक्ट्री में किया धरना प्रदर्शन। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के NH-58 फैक्ट्री का है मामला। ताज नगरी आगरा में दक्षिण बाईपास ओवरब्रिज से नीचे गिरा ट्रक, हाईवे से नीचे गिरने के बाद ट्रक में लगी आग। इस गंभीर हादसे में ट्रक चालक व क्लीनर की हुई जलकर मौत। थाना मलपुरा कुआं वाले हाईवे का है मामला। मुरादाबाद में बदमाश और पुलिस के साथ आधा घंटे तक हुई जमकर फायरिंग। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 50,000 बदमाश को किया गिरफ्तार। दिल्ली का रहने वाला है ये इनामी बदमाश। पाक बड़ा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। बांदा कमिश्नर के फॉलोवर के बाद अब DIG के चालक को हुआ कोरोना। चालक को कई दिनों से था बुखार। चालक को कोरोना होने के बाद DIG व परिवार के सदस्य की भी जांच को भेजे गए सैंपल। बागपत चीनी सैनिकों की हिमाकत के बाद जनपद में भी दिखाई दिया गुस्सा। हाईवे पर हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने जलाई चीनी सामान की होली। स्वदेशी अपनाने का लिया संकल्प। बागपत के बड़ौत नगर का है मामला। रायबरेली करंट के चपेट में आने से हुई व्यक्ति की दर्दनाक मौत। सुबह उठने के बाद पंखे को बंद करने का कर रहा था प्रयास, पंखे से उतरे करंट की चपेट में आकर हुई मौके पर मौत। व्यक्ति की मौत से परिवार में मचा कोहराम। थाना क्षेत्र के सहरोड़ा गांव का है मामला।